यहाँ पर दिशी और दीवी चल दिए हैं भैया के साथ घूमने। यहाँ पर हेलो गाइस, बड़ू को नमस्ते एंड पहला छोटू को बहुत सारा प्यार। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हम अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। कितने बजे? 4 बजने वाला है, 10 मिनट है 4 बजने में। आज सुबह से कुछ बनाया नहीं और अभी व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों से मिलवाने वाली हूँ किसी से, बहुत ही स्पेशल है, जिनका वेट हो रहा था इतने दिनों से। तो उनका इंट्रोडक्शन जैसे कि मैं एक गाने से करती हूँ, तो मैं गाने से इंट्रोडक्शन करूंगी। आओ दगड़ियो, अब इनसे मिलो जी, ये है मेरी जिठानी जी। कभी कभी आती है यहाँ पर ये यार, फिर भी चलता इनका अपनी देवरानी पर पूरा राज। झूठ बोल रही है ये आज। तो मिलिए मेरी जिठानी से। हेलो फ्रेंड्स, लोग कैसे हैं? तो भाभी ये बताओ, तो जो है आपकी देवरानी ने व्लॉग चैनल स्टार्ट किया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा लगता है देख के। मैं तो लखनऊ में रहती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर पे हूँ। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। हाँ तो मतलब देखते हैं आप ना, चलो पसंद आ रहे ना आपको? बहुत पसंद आ रहे हैं। आप भी तो हम कैसे एंजॉय करते हैं, अब तो आप पूरी फैमिली से मिल लिए, बस भैया बचे हमारे, उनको हम मना रहे हैं। शाम को उनसे भी मिलवा लेते हैं। आज ही इसी व्लॉग में उनसे भी मिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि भाभी आ गई ना अब तो, तब मिल ही लेंगे भैया भी। ठीक है चलो, अभी हम जा रहे हैं शॉप पे दोनों। तो हम निकल गए हैं शॉप के लिए, तो हम पैदल पैदल जा रहे हैं क्योंकि स्कूटी तो है नहीं हमारे पास यहाँ पे, तो इसलिए हम ऐसे ही जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हम चले ही जाते हैं, पहले से भी जाते थे तो पहुँच ही जाएंगे, है ना? तो मिलते हैं आपको शॉप पे, ठीक है? ओके। तो गाइज हम लोग पहुंच गए शॉप पे। सचिन नेगी जी क्या कर रहे हैं? हम मजे ले रहे जिंदगी के। हमारे बच्चे जो हैं, आपने क्लिप देख ली होगी, भैया के साथ वो लोग गए हैं घूमने और पता नहीं कहाँ गए हैं। अब देखो हमें भी अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा जब वो आएंगे, और उस बीच में हम लोग आ गए शॉप पे। तो भाभी आई है शॉप पे, और भाभी के बारे में मैंने तो बताया ही नहीं। भाभी लखनऊ में रहती हैं, वो इसलिए क्योंकि वो एक टीचर हैं और उनका मायका भी वहीं पर है, और जो है इसलिए उनको वहाँ पे रहना पड़ता है, और वो जब भी छुट्टियाँ पड़ती हैं तब वो यहाँ पे आती है। तो गाइज अब थोड़ी देर में मिलते हैं। तो गाइज अब मैं सीधे आप लोगों से मिल रही हूँ, 6:15 बज गया है, तो अभी हमारा हो गया है घर जाने का टाइम। तो हम दोनों जा रहे हैं घर, और हमने जो है सामान वामान पैक करवा लिया है। देखो यहाँ पर सामान पूरा इकट्ठा हो चुका है, वो लाएंगे सचिन बाद में। हम दोनों पैदल पैदल जा रहे हैं, चले भाभी चलो। तो घर में बच्चे भी आ गए हैं घूम फिर के, चलो मिलते हैं आप लोग उसे घर पे। तो हमने यहाँ पे ले ली देखो आइसक्रीम, और भाभी अंदर है और मैं आइसक्रीम लेके जा रही हूँ, आइस कैंडी सबके लिए। हमारे जो हैं बच्चे भी पसंद करते हैं आइसक्रीम, तो चलते हैं उसके बाद घर। चलो आइसक्रीम नहीं खानी, कहाँ जा रहे थे? निकल जाएगी वो, चलो चलो जल्दी चलो। गाइस अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ रात के 9 बजे आना, हाँ 9:15। तो हम बना रहे थे यहाँ पे रोटी, देखो ये भाभी और मैं रोटी बना रहे हम लोग, और बाकी लोग छत पे बैठे हैं। वो देखो सचिन वहाँ पे घूम रहे हैं, अभी शॉप से आए हैं वो। गाइस हम लोग बना रहे हैं ये मक्के की रोटी, जो कि हमारे मम्मी और पापा दोनों को बहुत पसंद है, हरी सब्जी के साथ वैसे भी बहुत टेस्ट आता है। तो हम लोग ना इस पन्नी में बनाते हैं मक्के की रोटी, रोटी बनाते हैं फिर हम आज छत पे खाएंगे। तो आप लोगों से मिलते हैं हम थोड़ी देर। गाइस तो गाइस हम लोग आ गए हैं छत पे, और यहाँ पे हमने मैट बिछा दी है पूरे में। अब यहाँ पे सब मिलके हम लोग खाना खाएंगे, सब खाना वाना हम लेकर आ गए हैं। और यहाँ पे देखो दीवु और दिशु को जो है भाभी खाना खिला रही है। ये देखो दिशु, ये रहे सचिन जी, ये रहे भाभी, पीछे कौन है, क्या लेके आ रहे हैं भैया? अभी अभी खाना लेकर आ रहे हैं, और यहाँ पे मम्मी बैठी है और पापा भी आने वाले हैं। तो जो है चलो अभी हम खाना खाना शुरू करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो ये बैठे हमारे बच्चे दोनों यहाँ पे, गए फोन पे लगी है दीवू जो है, फोन मांग रही है। यहाँ पे जो है भैया बैठे हैं, तो भाभी वहाँ पे खाना लेकर आ रही है।
तो हमारा यहाँ पे खाना लग रहा है और सब लोग हम खाना खाएंगे। ये देखो सब खाना एंजॉय कर रहे हैं। ओए हवा कितनी अच्छी हवा चल रही। ये देखो जो है बड़ी बहन छोटी बहन को होमवर्क करा रही है। दीवू सुनो भी तो फिर दीदी की दीवू काम है चेक करना ठीक है। ये देखिए सास बहू का प्यार ये सिर्फ व्लॉग के लिए है। ये सच्चाई और कभी फिर दूसरी सच्चाई सच्चाई देखिए। ये देखो ये भी ब्लॉग के लिए है। ये ब्लॉग के लिए है। ये भी ब्लॉग के लिए। बाकी तो झाड़ू लेके खड़े रहते हैं तीनों। झाड़ू लगाने के लिए सुबह देखना लड़ाई होती है हम तीनों में कि कौन झाड़ू लगाएगा। आओ दगड़ियो अब इनसे मिलो जी ये है मेरे जेठ जी। सब पे चलता इनका राज पर भाभी के सामने निकलती नहीं है आवाज। जेठ जी मिलिए आज आपके सामने आई गए। तो यही है इनका अंदाज। तो मिलिए सबसे हमारी पूरी फैमिली से सब मिल चुके हैं और यहीं पे बैठे हैं सब। ये देखो सब बैठे बैठे सब यहाँ पे बैठे हुए खाना खा के हम सब नीचे आ गए हैं और ये बच्चों का हल्ला चल रहा है हमारे। ये देखो इन दोनों की लड़ाई। ये देखो दोनों का ये रूप देख लिया। अरे लड़ क्यों रहे हैं। अरे क्या कैसी है यार ये दीदी पैक कर दिया ठीक। ये देखिए सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हैं। सब अपनी जोड़ी बना के बैठे हुए हैं। ये रहे सास बहू और जो है मैं अकेली और ये दोनों देखो ये दोनों बच्चे बहने और वो दोनों भाई। तो सब जो यहाँ पे बैठे हुए हैं और पापा जो है अपना न्यूज सुन रहे हैं। बस यही था अभी के लिए। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। दीवू को होमवर्क कराया जा रहा है यहाँ पे पर वो कर नहीं रही है। उसका ध्यान पूरा अपनी दिशु दीदी पे है कि दिशु दीदी उसका क्या छू रही है क्या निकाल के ला रही है दिशु दीदी। ये वो देखती जा रही है। तुम अपना होमवर्क करो ना। वो दिशु दीदी का ही तो है। तुम क्या कह रही थी दिशु दीदी से शेयर करूंगी बोली थी ना। तो दीवू का एक रूप ये भी है जो किसी ने नहीं देखा। इसको भी नहीं देना तुम ठीक है कुछ भी ओके बेटा काम कर ले तुम। उसका ध्यान मतलब वही तो जल्दी होमवर्क करो कंप्लीट करो जल्दी सोना भी है। आज सुबह की तरफ भी आंख ही नहीं खुलेगी दोबारा सो गई स्कूल जाने। दीवू यहाँ पे और बनाना ओके। ये लो दिशु आपको कुछ बोलना चाहती है बोलो दिशु। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो एंजॉय कीजिए हमारा व्लॉग और मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तो अगर हमारे व्लॉग आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय अपना ध्यान दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ भाई नमस्ते।